नमस्कार, श्रीमती मोरीदेवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ उन ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी साहित्य से खासा लगाव है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा बीए प्रथम वर्ष जो आपका प्रथम जो प्रश्न पत्र है प्राचीन काव्य ढोला मारो रागवा, जो कि कवि कुशल लाभ या कवि कलोल के द्वारा रचित है, उसके हम पद पढ़ रहे थे। हमने कल 5 पद पढ़े, उनकी व्याख्या पढ़ी, आशा है आपको समझ में आई होगी। अब अगली जो व्याख्या है मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए। ढांडी एक संदेश डूं ढोल लगी लई जाय, कण पाकं कर सने हुऊं भोग लियऊं घरी आय, ढोला भोग लियऊं घरी आय। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार से मारवणी है वो ढांडी यानी जो पथिक है उसको अपना विनय संदेश है वो भेजती है अपने प्रियतम ढोला साले कुमार ढोला, जो कि मैंने कल बताया था नरवर देश का राजकुमार है और उसका नाम साले कुमार ढोला है। और ये मारवाणी है वो पिंगल देश की राजकुमारी है, पिंगल की है, पिंगल राजा की पुत्री है जो जिसका नाम है मारवाणी। और उसकी एक सहनायिका भी है जो मालव देश की राजकुमारी है, ठीक है, उसका नाम मालवणी है। तो यहाँ पर मारवणी है वो जो है ढोला को संदेश भेज रही है कि ढांडी एक संदेश डूं ढोल लगी लई जाय, कि हे ढांडी हे पथिक एक संदेश डूं, एक संदेशा ढोल मन ढोला तक मेरे प्रियतम तक पति तक क्या करना है, लगी लगी का होता तक लई जाय, मन लेकर के जाओ लेकर जाओ। तो मारवणी अपने जो आपके पथिक है उसको संदेशा देते हुए कहती है, हे ढोला हे पथिक, तो मेरा एक संदेशा मेरे प्रियतम मेरे पति को पति के पास लेकर के जाओ। कि कण पापों कर्षण हुआ, कण पापों मैंने कण मैंने कण या अनाज, अनाज के दाने हैं वो पापों मैंने पक गए हैं, पापों मैंने पक गए हैं, कर्षण हुआ मैंने खेती हो गई है, उनकी खेती हो गई है, कण पापम कर्षण हो मैंने हो गया खेती हो गई है और जो अनाज है अनाज के दाने हैं वो भी अब पक गए हैं, इसीलिए अब आप भोग लियम घर आए, अब इसका उपभोग करने के लिए तुम घर आ जाओ, घर आ जाओ। तो ये संदेशा देती है कौन लेने के लिए तुम आ जाओ, भोग लियो घर आए, उपभोग करने के लिए तुम घर आ जाओ। तो इस प्रकार से मारवाणी है वो संदेशा है वो भेजती है कि जो कण पापों कर्षण हुआ यानी अनाज के दाने वो पक गए हैं अर्थात खेती हो गई है, अब आप भोग करने के लिए घर चले आओ, शीघ्रता से घर आ जाओ, क्योंकि अब आओ और आनंद की प्राप्ति है वो करिए। तो इस प्रकार से एक संदेशा देती है। अगला देखें पद, पंथी एक संदेश डूं लग ढोल पहिचाय, विरह महादेव जागियम अग्नि बुझावहुं आय, ढोला अग्नि बुझावहुं आय। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में देखिए इस दोहे में दुआ छंद है, भाषा कौन सी है, विशेष में आप क्या लिखोगे, भाषा है। सबसे पहले मैं थोड़ा प्रसंग के बारे में, प्रसंग में वही लिखना आपको कि प्रस्तुत प्रसंग कवि कुशल लाभ द्वारा रचित या कलोल द्वारा रचित ढोला मारवाणी द्वारा शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। फिर इसमें मारवाणी है वो मेरे व्यक्तित्व होकर के अपना जो संदेश है वो अपने प्रियतम ढोला को भेजती है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। ये तो गया प्रसंग, फिर व्याख्या हो गई, पहले पद की मैंने व्याख्या बता दी और उसमें विशेष में आप क्या लिखोगे, भाषा कौन सी है, इसमें भाषा आपके राजस्थानी भाषा है वो भी डिंगल भाषा है, ठीक है, राजस्थान में दो भाषा डिंगल और पिंगल, तो जो डिंगल भाषा उसका इसमें प्रयोग किया गया है। और छंद की बात करें तो दुआ छंद है वो दोहा, जिसको दोहा बोलते हैं, तो दुआ छंद है वो प्रयोग किया गया है। और
रस की बात करें तो उसमें विप्रलम श्रृंगार का प्रयोग इसमें किया गया है, वियोग श्रृंगार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के हम ये जो बिंदु है वो हम कहाँ किस में लिखेंगे, हम ये लिखेंगे विशेष वाले बिंदु में, ठीक है। अलंकारों में बात करें तो अनुप्रास रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है तो वो इसमें लिख देना, अनुप्रास रूपक अलंकार की प्राप्ति हुई है, यति छंद की यति गति उचित है, इस प्रकार से आप इसमें लिख सकेंगे। अगला जो मैंने जो दुआ पढ़ाया है वो देखिए कि पंक्ति एक संदेश डो ये पथी की पंक्ति मैंने पथी की बार बार एक शब्द आ रहा है, पंक्ति ढांडी या पथी की या पही तीन शब्द आए हैं, ढांडी मैंने पथी पंथी मैंने पथी, ठीक है, एक पही शब्द भी आएगा आया है तो वो भी उसका मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब भी राहगीर या पथी। तो पंक्ति एक संदेश डा है पंक्ति है पथी एक संदेशा लग मन तक, लग मैंने तक ढोलो कोई चाय मैंने पहुंचा देना, ढोला तक मेरे पति तक पहुंचा देना, ठीक है, मेरे पति तक है वो मेरा संदेश है वो भिजवा देना। कि विरह महादेव जागी विरह रूपी अग्नि जल चुकी है, विरह रूपी महादेव महादेव दव का अर्थ होता दावाग्नि, ठीक है, तो विरह रूपी दावाग्नि जल चुकी है, जागी मैंने प्रज्वलित हो गई है या जाग गई है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि विरह रूपी रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है, विरह रूपी क्योंकि मारवाणी वियोग अवस्था में गुजर रही है और वियोग अवस्था में उसको विरह रूपी दावाग्नि है वो उसके भीतर प्रज्वलित हो गई है, तो वो संदेशा देवी जी कहती है कि हे प्रीतम आप अग्नि बुझाओ आए, कि आप आकर के आए मैंने आकर के, या वो जो पति का वो जाकर के कहेगा कि हे हे ढोला तुम जाकर के उस अग्नि को विरह रूपी अग्नि को दावाग्नि को तुम बुझा दो शांत कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो संदेशा मारवाणी है वो देती है पति को, तो आशा है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें भी वही है, आप इसमें विशेष वाले बिंदु में कोई बात लिख देना, ठीक है, और विरह की यहाँ पर अवस्था का जो अति विरह वेदना का वर्णन इसमें किया गया है, और साथ में आपके अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास रूपक अलंकार की अलंकारों का प्रयोग हुआ है, भाषा डिंगल है राजस्थानी, और बात करें छंद तो छंद दुआ छंद है, और श्रृंगार के रस की बात करें तो विप्रलव श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो दुआ है वो देखिए, पंथी एक संदेश से मारवाणी अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती है उस पथिक से कहती है कि पंथी एक संदेश रहा है, पथिक एक संदेशा है, लग मन तक ढोले मन ढोला प्रियतम पहचान मन पहुंचा देना, कि मेरा एक संदेशा मेरे प्रियतम तक पहुंचा देना, कि मुझे विरह रूपी जो बाघ है, विरह बाघ बाघ मैंने बाघ, तो विरह रूपी बाघ है, ठीक है, ये जो विरह रूपी इसमें बाघ हो गया, ये विरह रूपी बाघ, विरह रूपी बाघ ये उपमा देती इसमें हो गया रूपक, ठीक है, विरह रूपी बाघ वनी तनी बसरी शरीर रूपी वन, तनी का अर्थ होता है शरीर, तो शरीर रूपी वन यानी जंगल, तो इस पद का क्या हो गया, वनी मैंने जंगल तनी मैंने शरीर, शरीर रूपी वन में शरीर रूपी जंगल में विरह रूपी बाघ बस ही मैंने निवास करने लग गया बस गया है, तो अब क्या करे, तो अब मारवाणी कहती है कि शहर गाजे आए, इस शब्द के दो अर्थ है, एक अर्थ तो यह है कि शहर मैंने शिखर, कि आप कहीं पहाड़ के उस शिखर पर जाकर के घन बन करके बादल बन करके क्या करो, गाजे मैंने गर्जना करो ताकि वो शेर है जो बाघ है, कौन सा बाघ, विरह रूपी बाघ है वो इस शरीर रूपी जंगल से भाग जाए, एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ इसमें एक अर्थ ये भी लिखा हुआ मिलता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस विरह रूपी बाघ को जो मेरे शरीर रूपी वन में है जो
जो बस गया है निवास कर रहा है वह पिता के कारण शरीर रूपी वन में विरह रूपी बाघ बस गया है, उसको हटाने के लिए क्या करो, आप शेर बन करके आओ, गर्जना करो लॉयन शेर, जो टाइगर बना हुआ है विरह उसको आप लॉयन बन करके यानी शेर बन करके गर्जना करो ताकि वो बाघ भाग जाए। तो आज मुझे ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें भी वही बात है, रूपक अलंकार है विरह रूपी जो है आपके बाघ है, शरीर रूपी वन है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। वही बातें आपको लिखना है दोबारा से वही, और भाव सौंदर्य इसमें बड़ी प्रशंसनीय है और डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, दुआ छंद है, तो ये आप लिख देना। एक पंक्ति इसमें से आप उठा करके लिख देना, इस किसके बारे में बात कहेंगे तो वो आप लिखना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला दुआ देखिए आपका कि पंथी एक संदेश और उस यौवन के कारण मद में वह मेरे से उसका जो यौवन है वो बस में नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, यौवन रूपी जो हिंसक पशु है वो सांकर तोड़ रहा है। तो बेसासन ही न जाए, बेसासन ही जल जाए मैंने यानी ये विश्वास लाकर आप उसमें शांत करो नहीं कर सकती। बेसासन का मतलब होता है विश्वास, किसको विश्वास दिलाकर दिलाकर क्या नहीं किया जा सकता, शांत नहीं हो सकता। कि अब ये जो विरह रूपी जो हिंसक पशु है वो शांकर तोड़ने वाला है, इसलिए अब मैं उसको कोई भी विश्वास या दिलासा दिलाकर शांत अब नहीं कर पा रही हूँ। कोई भी विश्वास कोई भी दिलासा दिलाकर उसको मैं क्या कर नहीं कर पा रही हूँ, शांत नहीं हो सकता। ये जो हिंसक पशु है वो उन्मद हो चुका है, ठीक है, यौवन रूपी हिंसक पशु उन्मत्त हो चुका है, इसलिए अब उसको किसी प्रकार की दिलासा विश्वास दिला नहीं सकती। तो इस कारण से मैं अत्यधिक विरह व्यथा में भोग रही हूँ, अत्यधिक विरह व्यथा में भोग रही हूँ। तो इस प्रकार से ये पद है, और इसमें भी कोई आप बातें मुख्य मुख्य वो बात लिख देना जो विशेष पॉइंट में मैंने बताई है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उपमा किससे दी है बस ये ध्यान रखना, सावज संबल किसको कहा है, हिंसक पशु, हिंसक पशु यहाँ पर कौन है, यौवन रूपी हिंसक पशु हो गया, ठीक है, वो अब संकल्प तोड़ने लगे हैं, अब उसको विश्वास कि मैं अब शांत नहीं कर सकती। अगला देखिए पद पाई भमंत घूमते हुए, बमंतों का मतलब होता है घूमते हुए, जब मैंने जो
कि यदि या जो मिले कि न मिले, अगर मुझे मेरे प्रियतम आपको घूमते हुए पति तुझे मिल जाए, तुम घूमते घूमते अगर मेरे प्रियतम के पास पहुंचो तो अगर वो मिले तो कहे अमहिनी बत, अमहिनी मैंने मेरी, बत मैंने बात, कि मेरी एक बात उनसे कह देना, मेरी एक बात उनसे क्या कह देना। तो कौन कर रही है? मारवणी यानी मारु कह रही है उस पथिक से कि अब अगर तुम घूमते घूमते मेरे ढोला के देश में जाओ, मेरे प्रीतम के देश में जाओ, तो उनको मेरी बात है तुम जाकर के जरूर कहना। और क्या बात कह देना? कि धन कणियरी कंब ज्यू, धन का मतलब हो गया प्रियतमा पत्नी, धन मतलब पत्नी प्रियतमा, ठीक है, प्रियसी जो भी है इसमें आप लिख देना, प्रियते धन का अर्थ होगा पत्नी, ठीक है, अपने राजस्थान में धन और धनी, पति के लिए धनी, धन पत्नी के लिए, तो ऐसे पत्नी कन्यारी, कन्यारी का अर्थ होता है कनेर, कनेर का जो फूल होता है पेड़ होता है ऐसे, तो कनेर के कंब ज्यू, कनेर के कंब ज्यू, कंब का अर्थ होता है छड़ी, छड़ी के समान एक छोटे से तिनके के समान, जो मैंने जैसे तो मैं तो तुम्हारी, उनको जाकर ये कहना कि तुम्हारी सूखी कार देखो प्यारे को, सूखी सूखी ड्राई सूखी हो गई, तो मैंने तुम्हारे तुम्हारी तुम्हारी सूरत मैंने याद में स्मरण में तुम्हारे स्मरण में मैं याद में सूख करके कनेर की छड़ी के समान हो गई। बहुत यहाँ पर मार्मिक बात कही है मारवणी ने कि मेरे ढोला जो मिले तुम्हें, किसको पति को कह रही है, पति तुम्हें अगर मेरे प्रीतम मिले तो मेरी बात उनसे एक बात कह देना कि तुम्हारी जो पत्नी है वो तुम्हारी हीरे वेदना की याद में तुम्हें याद करते, सुगत मैंने याद करते करते, तुम्हारी याद करते करते सूख करके कनेर के छड़ी के समान हो गई है। समझ में आया? कनेर की छड़ी के समान, उपमा किसे दे, कनेर होता है फूल ऐसा ऐसा पीला पीला ऐसा फूल होता है ऐसे करके ऐसा, तो ये कनेर की तरह छड़ी के समान फूल करके सूख करके कांटा हो गया, अब तिनके के समान हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अत्यधिक वीरवेता के कारण शारीरिक जो दशा है, अत्यधिक वीरवेता के कारण जो नायिका मारवणी है उसकी जो शारीरिक दशा है वो बहुत ही दयनीय हो गई है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। और रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है, साथ साथ आपके अनुप्रास अलंकार तो सब आप लिख ही देना, और साथ में आपके काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक बात को दूसरी बात के द्वारा इसमें एक तरह से प्रेषित किया जा रहा है, उसको प्रतिपादित किया जा रहा है कि किस तरह से सूख गई है, कि कनेर की छड़ी के समान सूख गई है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये आपको 5 पद मैंने पढ़ाए हैं, आगे के जो कक्षा है आगे की कक्षा में आपको इसके आगे हम जो महत्वपूर्ण, ये सब परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें से जो मैंने छांटे हैं लगभग ये 20 दुए हैं, उनको आप जरूर जरूर पढ़ के परीक्षा से पहले जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से आने की पूरी संभावना हो सकता है कि यहीं इनमें से कोई आपके आ जाए। बाकी आपको पढ़ना देखिए प्यारे विद्यार्थियों पूरी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता कि इतने में से आपको काम चल जाएगा, लेकिन इन जो दोहों को आप थोड़ा विशेष तौर से इनको देखना, क्योंकि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, विगत प्रश्न पत्रों में आए हुए कई बार आए हुए हैं, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ ये जो है आपका आज का जो आज की जो कक्षा है जिसमें ढोला मारुआ दो हमने पढ़े हैं, कल हमने 5 पढ़े, आज हमने ये सब ध्यान रखना अलग अलग है, ये मैंने छाँट छाँट के जो महत्वपूर्ण है, ये 121 वाला दोहा है, इस प्रकार से 123 वाला दोहा, 128 का ये दोहा है, 133 का, 135 का जो महत्वपूर्ण ज़्यादा आए हुए हैं परीक्षा में, तो उन्हीं को मैंने आज अभी लिया है, तो इनको आप जरूर जरूर ध्यान से पढ़ना। इस कक्षा को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। प्यारे विद्यार्थियों हिंदी साहित्य की जमकर के तैयारी करो। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।